नेपाल के तराई वाले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। नेपाल में नारायणी नदी से 2.60 लाख क्यूसेक पानी भारत आ रहा है। बिहार में आने के बाद नारायणी नदी गंडक नदी हो जाती है। अरे आप देखिए नारायणी नदी में किस तरह का उफान है, क्योंकि एक बार फिर से नेपाल के तराई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है और ये बारिश अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। हम आपको बता दें कि बीते हफ्ते भी नेपाल में भारी बारिश हुई थी और भारी बारिश की वजह से जो नारायणी नदी है और जो दूसरी नदियां कोसी और बाकी नदियां जहाँ जल अधिग्रहण क्षेत्र जिनका नेपाल में पड़ता है, उन नदियों में उफान आया था और उस उफान की वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। एक बार फिर से जब बारिश जो है वो तेज हुई है नेपाल में, तो लगभग 2.5 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज इस वक्त नारायणी नदी में है और बिहार के वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जो डिस्चार्ज है वो 2 लाख से ऊपर जा पहुंचा है। और ये माना जा रहा है कि जो पानी का डिस्चार्ज है बीते 2 दिनों में कम हुआ था, वो एक बार फिर से बढ़ सकता है। हम आपको बता दें कि ये जो नदी है नेपाल के तराई इलाके में बहती है और जो ऊंचाई है वो बिहार से कहीं ज्यादा है और देखिए जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं नेपाल की, उससे बीच से बहते हुई कैसे नारायणी नदी बिहार की सीमा में आगे बढ़ रही है।